हेलो एवरीवन मेरा नाम है अदिति आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ ये जो वीडियोस हैं ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था एक एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो तो आप लोगों के लिए रोज शाम को सात बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो इफ़ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो ऑफ जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है देखो प्लान करो अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा और लाइव फाउंडेशन बैच एक जुलाई से ज्वाइन कर लो ज्वाइन करने के लिए जेर एफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो नंबर आपके पास में है ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी स्पेशली स्टडी प्लानर पूरे छ महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है पहला सेशन होगा एक जुलाई को तो ज्वाइन कर लीजिएगा नंबर आप लोगों के पास में है और आप चलते हैं कॉन्टेंट पर आज के टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सिंपल टेक्निक ग्रीडी टेक्निक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्रीडी है ग्रीडी का मतलब क्या होता है लालची ग्रीडी का क्या मतलब होता है लालची जो लालच के बिहाफ पर काम करता है यहां पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो ग्रीडी में और डायनेमिक में दोनों में आपको समझना है इनका डिफरेंस चार्ट भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी बट सबसे पहले समझेंगे कि ये होती क्या है ग्रीडी टेक्निक देखो ग्रीडी टेक्निक का मतलब होता है कि उस समय जो बेस्ट लग रहा है डिसीजन उस समय आपको जो भी डिसीजन बेस्ट लग रहा है आप वो डिसीजन ले लीजिए आप लोगों का जो ग्रीडी अप्रोच होता है वो क्या होता है वो एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन प्रॉब्लम होता है जी ग्रीडी अप्रोच की अगर हम लोग बात करें जो आप लोगों का ग्रीडी अप्रोच होता है ये ग्रीडी अप्रोच कैसा है ग्रीडी अप्रोच आप लोगों के लिए होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट करना अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल टाइम के साथ में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना एट द मोमेंट बेस्ट डिसीजन लेना इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन है ना ऑप्टिमाइजेशन हमेशा याद रखना ये किस पर चलता है ये एट द मोमेंट चलता है एट द मोमेंट बेस्ट केस केसारियो कंसिडर करना इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन अच्छा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो दोनों तरीके से हो सकता है किनी किनी सिचुएशन में हमको मैक्सिमाइज करना होगा हमारे आंसर को किनी किनी सिचुएशन में हमको मिनिमाइज करना होगा जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोग जो है आप सभी लोगों को जून वाला एग्जाम देना है अब जब आप लोगों को जून वाला एग्जाम देना है तो आपके लिए क्या है आपके लिए सिलेबस है और ये जो आप लोगों का सिलेबस है ये सिलेबस है इमेजिन करिएगा फोर्टी सब्जेक्ट्स का है ना अब ये जो फोर्टी सब्जेक्ट्स है ये आप लोगों का प्रॉब्लम है इनको हम लोगों को याद करना है इनको समझना है इनको पढ़ना है सो so दैट हम लोग जून वाला एग्जामिनेशन दे सके अब आप लोगों के पास में यहाँ पर क्या होगा कुछ कंस्टेंट होंगे कंस्टेंट नंबर वन कि आप सभी लोगों के पास में जो सिलेबस है उसका जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कंस्टेंट नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट कंसटेंट होगा आप लोगों के पास में टाइम कंस्टेंट नंबर थ्री आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा रिसोर्सेज कि भैया कौन सी किताब कौन सा कोर्स कौन सा वीडियो देखना है यानी ये कुछ आप लोगों के बेसिक कंस्टेंट्स हैं कंस्टेंट्स मतलब लिमिटेशन मतलब पैरामीटर्स जो आपको लगाने पड़ेंगे भाई अगर मुझे जून के लिए जे करना है तो मेरे को भैया सिलेबस कवर करना है मेरे को ये पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट रिसोर्स है मुझे जो है ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए तभी जाके आप क्या कर पाओगे जून के अंदर जे निकाल पाओगे अब इस सोल्यूशन में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो ये जो है ये मैगजिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये है मैग्जिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे आपके पास में जो गिवन टाइम है, है ना जी आपके पास में जो गिवन टाइम है उसमें आप लोगों को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है गिवन टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है आपने मान लीजिए कि दस टॉपिक कवर किए फिर आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे बीस पच्चीस तीस चालीस पचास सौ इस तरीके से आप लोग क्या करने की कोशिश करोगे जो भी आपके पास में आंसर्स आ रहे हैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे तो ये भी एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है बट इसमें आप मैक्सिमाइज करने की सोच रहे हो उल्टा बोलू जैसे इमेजिन करिएगा कि आप यहां से ट्रैवल कर रहे हो और आपको इमेजिन करिएगा कि आपको इंडिया से यूएसए जाना है जब आपको इंडिया से यूएसए जाना है तो आप कहना चाहते हो कि यार मेरे को कम से कम समय के अंदर यूएसए पहुंचना है तो आप चल के जा सकते हो साइकिल से जा सकते हो बोट से जा सकते हो उड़ के जा सकते हो मतलब फ्लाइट में जा सकते हो ट्रेन से जा सकते हो कुल मिला के हमारे पास में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने एक बार इकट्ठे कर लिया कि भाई इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अब ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम कि मुझे कम से कम समय के अंदर यूएसए पहुंचना है अब कम से कम समय के अंदर यूएसए पहुंचना है तो मेरे पास में फ्लाइट ही एक जरिया है है जो बच जाता इमेजिन करिएगा कि वन गो फ्लाइट यहाँ से यूएसए की जो है वो बहुत महंगी आती है एक लाख रुपए का टिकट आप लोगों का हो रहा है तो आपके पास में दूसरा कंस्टेंट क्या था मनी तो आप क्या करोगे या तो आप डिवाइड करोगे आप क्या करोगे उस टाइम जो भी आपको बेस्ट लगेगा जैसे कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से यूएसए की फ्लाइट ना ले कुछ डी टोर ले ले कुल मिला के गिवन कंस्टेंट है मनी और टाइम उन दोनों के बिहाफ पर आप कोशिश करोगे कि मिनिमाइज कर सके है ना मिनिमम समय और मिनिमम पैसे के अंदर मैं यहाँ से डायरेक्टली यूएसए ट्रैवल कर सकूँ तो ये कैसी प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये भी किससे सॉल्व की जा सकती है ग्रीडी अप्रोच से कुछ सॉल्व की जा सकती है तो ऑप्टिमाइजेशन या तो मैक्सिमाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हो किसी भी भी प्रॉब्लम के के सॉल्यूशन को या मिनिमाइज करने के लिए भी। दोनों कैसे समझ में आ गए कि मैक्सिमाइजेशन में भी लगाया जा सकता है मिनिमाइजेशन के अंदर भी लगाया जा सकता है यूएसए थोड़ा ज्यादा दूर हो गया आप बोलोगे कि मैम पैदल साइकिल या ट्रेन ये तो पॉसिबल नहीं है आसपास का ढूंढ लेना जैसे मैं जयपुर से दिल्ली जाना है आप जयपुर से दिल्ली तो जा सकते हैं ना पैदल भी जा सकते हैं साइकिल से भी जा सकते हैं बोट से नहीं जा सकते हैं ट्रेन से जा सकते हैं फ्लाइट से जा सकते हैं मेरे पास चार मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो मुझे पता है कि अगर मेरे को एक घंटे के अंदर पहुंचना है तो एक घंटे के अंदर पहुंचने के लिए मुझे पता है कि यार फ्लाइट बेस्ट सोर्स है बट मैं बोल रही हूं कि यार मेरे को मनी भी मिनिमाइज करना है तो फ्लाइट टिकट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं तो मैंने सोचा कि यार बाई कार में जा सकती हूँ या बाई ट्रेन में जा सकती हूँ तो इसे हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो मिनिमाइज हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो मिनिमाइजेशन हो या मैक्सिमाइजेशन हो दोनों अप्रोचेस ग्रीडी में लग सकते हैं क्योंकि कुल मिला के ऑप्टमाइजेशन सोल्यूशन प्रॉब्लम है अब देखो इसी केस के अंदर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जैसे कि मैंने आप लोगों को कंस्टेंट्स बताए कंस्टेंट के बिहाफ पर मेरे पास में गिवन चॉइसेस होती हैं अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं है ना या फिर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल लिया ये समझ में आ गया ना सभी को एग्जांपल अब देखो इमेजिन करो कि मैं क्या बोल रही थी कि मैम आप बोल रहे हो कि आपको जयपुर है और जयपुर से आपको क्या जाना है आपको दिल्ली जाना है अब जयपुर से दिल्ली जाने के लिए आप कह रहे हो कि आपके पास में एक ही आर का समय है एक आर के अंदर आपको जयपुर से दिल्ली जाना है ठीक है मैं समझ में आ गया अब ये क्या है टाइम ये मेरा कंस्टेंट वन है ठीक है ना दूसरा क्या हो सकता है दूसरा मनी हो सकता है सही है दूसरा जो है वो मनी हो सकता है ये मेरा कंस्टेंट टू है कंस्टेंट वन एंड कंस्टेंट टू के बिहाफ पर आपने क्या निकाले होंगे मैम आपने निकाले होंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन एज इन आप बोल रहे हो कि मैम ट्रेन से जाया जा सकता है ठीक है ना आप बोल रहे हो कि मैम फ्लाइट से जाया जा सकता है आप बोल सकते हो कि आप चल के जा सकते हो आप बोल सकते हो कि आप साइकिल पे जा रहे हो आप बोल रहे हो कि आप बाय कार जा रहे हो खुद के व्हीकल से जा रहे हो तो ये जो आप लोगों ने नि क्या निकाले हैं सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकाले हैं जो कि आप लोगों के कंस्टेंट सेटिस्फेक्शन के बिहाफ पर काम कर रहे हैं कंस्टेंट के पहले है ना अभी तो हमने कंस्टेंट इसके अंदर लगाया नहीं है अभी तक हम लोगों ने देखा कि यार ये सारे बता दिया कि भाई ये ये चीजें हैं जो आप लोगों के लिए पॉसिबल है जो सॉल्यूशन आपके क्या करें आपके कंस्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करें ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं क्या फीजेबल सोल्यूशन फीजेबल सोल्यूशन याद रखेंगे आपके पास में ऐसे ये तो सोल्यूशन है ये तो सारे के सारे सोल्यूशन है बट जो सोल्यूशन आपके कंस्टेंट्स को आपके लिमिटेशन को सेटिसफाई करें उन्हें हम क्या बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं जैसे कि टाइम एंड मनी के बिहाव पर अगर मैं देखूं तो मैम देखो ट्रेन फ्लाइट और बाय कार ये चीज जो थी ये मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी अगर फ्लाइट के अंदर मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है तो मनी वाला कंसेंट भी सैटिस्फाई हो जाएगा अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो मैम देखो ट्रेन वाला और कार वाला ये जो दोनों के दोनों सिनेरियो हैं ये मेरे लिए फीजिबल सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे अब जब आपके पास में फीजिबल सोल्यूशन आ गया तो फीजिबल सोल्यूशन के बिहाफ पर ही या इनमें से ही एक जो है वो आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के जैसा काम करेगा अब ये किसके जैसा काम करेगा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के जैसा काम करेगा दोनों में से जो बेस्ट पड़ेगा अब आप ट्रेन के टिकट उसके ट्रैवल सारे कॉस्ट निकाल लोगे और कार उसका ट्रैवल का सारा कॉस्ट निकाल लोगे दोनों में से जो भी कॉस्ट मिनिमम आएगी है ना जैसे जो एक घंटे के अंदर आप लोगों को पहुंचा दे और जो क्या है आप लोगों के लिए मिनिमम कॉस्ट आएगी वही मेरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा तो कार या ट्रेन दोनों में से किसको चूज करके आप जाओगे ये क्या होगा आपका ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन होगा टर्म्स याद रखेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके अंदर उस समय पर हमको जो बेस्ट सॉल्यूशन लग रहा है जो बेस्ट मूव लगता है एट द मोमेंट वो हम लेने की कोशिश करते हैं सही है और ये सारा का सारा चीज़ जो है ये किस पर चलता है यूरिस्टिक पे चलता है ये किस पे चलता है यूरिस्टिक पर चलता है तो आप इन रिलेटिव टर्म्स मुझे बता रहे हो में नहीं बता रहे हो तो रिलेटिव टर्म्स के अंदर कोई चीज बोलना प्रिडिक्ट करना है ना अनुमान लगाना इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूरिस्टिक हम तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा यूरिस्टिक एल्गोरिथम तो पूरी की पूरी पे ही चलती है तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक बेस्ड उस समय पर मुझे क्या बेस्ट दिख रहा है मैं वो चूज करने की कोशिश करती हूँ अब ऑब्वियसली क्योंकि ये ह्यूरिस्टिक है एट द मोमेंट बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात करता है तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास में आंसर आएंगे वो लोकली ऑप्टिमाइज्ड होंगे लोकली ऑप्टिमाइज्ड होंगे बिगर पिक्चर जो है या ग्लोबल सॉल्यूशन जो है ये उसको नहीं सोचता है ये उसको नहीं देख रहा है ये किसको देख रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकल में मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने बात करी थी किसके ऊपर इसी एग्जाम्पल में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि कार है और ट्रेन है अब आपने ऐसे बोला कि मैम देखिए कार का ट्रैवल जो है वो भी थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है क्योंकि हमारी कार है पेट्रोल की और पेट्रोल की कॉस्ट ज्यादा आती है डीजल के कंपैरिजन में तो हम ट्रेन में चले गए आप चले गए आपने उस टाइम क्या डिसाइड कर लिया कि पैसा कम लग रहा है तो मैं ट्रेन में चले जाता हूँ बट वॉट इफ की ट्रेन लेट हो जाए वॉट इफ कि ट्रेन जो है आपने चूज तो कर ली थी बट आगे जाके आपको पता चले कि बहुत सारे सब स्टेशन पर ट्रेन रुक रही है रुक रुक के चल रही है तो जो आपने एस्टिमेशन लगाया था वो एस्टिमेशन क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा यानी कि कुल मिला के जो आपका ग्रीडी अप्रोच है वो लोकली ऑप्टोमाइज सोल्यूशन तो आपको दे देता है बट क्या ये आप लोगों को फाइनल आंसर देता है क्या ये आप लोगों को ग्लोबली ऑप्टोमाइज सोल्यूशन देता है नहीं देता है तो आपका ह्यूरिस्टिक या जो आपकी ग्रीडी बेस्ड अप्रोचेस होती है ये स्टेट बेस्ड अप्रोच है है ना इसका दूसरा नाम क्या होता है जी स्टेट बेस्ड स्टेट बेस्ड अप्रोच है मैम उस उस समय स्टेट पर मुझे जो बेस्ट लग रहा है मैं वो करूंगा और वो हम यूजुअली लालच के अकॉर्डिंग करते हैं हमको लग रहा था कि यार कार से जाना तो महंगा पड़ रहा है ट्रेन से चलो ट्रेन से चले गए पर बीच में पता चला कि ट्रेन तो बहुत ज्यादा रुक रही है बहुत ज्यादा लेट हो जा रही है, है ना किसी ने चेन खींच दी थी कुछ भी रीजन हो सकता है कुल मिला के लेट होने का तो कुछ भी रीजन हो सकता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोकली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कहते हैं क्यों ह्यूरिस्टिक कहते हैं स्टेट बेस्ड क्यों कहते हैं सभी सारी चीजें समझ में आ गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मोलॉजी एग्जाम में पूछ ली जाती है है ना फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन क्या होता है अगर मैं स्टेटमेंट में दू तो समझ जाओगे कर लोगे सॉल्व एग्जाम्पल याद रखोगे